दोस्तों कुछ डायबिटीज के मरीज या बिना डायबिटीज के मरीज भी स्पेशली लेडीज कभी कभी कंप्लेन करती हैं कि जब भी खांसते हैं तो थोड़ा यूरिन निकल जाता है या कभी कभी यूरिन जाने में थोड़ा देर होता है तो ऐसा लगता है कपड़े में निकल जाएगा। तो जो खांसने पर जो यूरिन निकल जाए या थोड़ा खड़े हुए चले उसे निकल जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। जब भी जब खांसते हो तो पेशाब का पेट का प्रेशर बढ़ता है जिससे यूरिनरी ब्लैडर पेशाब थैली में प्रेशर पड़ता है और पेशाब की थैली को जो इंस्फिक्टर बांधे रहता है रोके रखता है पेशाब न निकले वो थोड़ा वीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि उम्र बढ़ने की वजह से या कभी कभी ड्यूरिंग औरतों के अंदर लेबर के दौरान जो बच्चा पैदा होता है उस समय अगर काफ़ी देर तक बच्चे का सिर अंदर फंसा रहे मतलब किसी के प्रोलॉन्ग लेबर हो कि जब डिलीवरी टाइम में लंबा टाइम और पेन होता रहे तो यूरिनरी ब्लैडर का जो स्फिंक्टर होता है जो पेशाब को रोके रखता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। बट चूँकि यंग टाइम में प्रॉब्लम अक्सर नहीं होती है जब उम्र बढ़ता है तो ये सिम्टम अपीयर होता है। सेकेंड होता है किसी किसी के अंदर कई वजहों से यूरिनरी ब्लैडर की मसल जो हैं हाइपरट्रॉफी होकर के सेंसिटिव हो जाती हैं जिसकी वजह से जहाँ थोड़ा यूरिन आता है यूरिन पास होने की फीलिंग आने लगती है और यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है लगता है अभी जान कपड़े हो जाएगा। तो दो अलग कंडीशन है इसमें एक होता है खांसी में यूरिन निकलता है उससे बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जबकि नॉर्मल टाइम में जा रहे हैं लगते अभी पेशाब हो जाए जल्दी जान हो जाएगा इसे बोलते हैं हम लोग फंक्शनल यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन है इसे बोलते हैं हाइपरप्लास्टिक ब्लैडर। तो इन सब कंडीशन के लिए एक तो एक्सरसाइज होता है कि बार बार एक्सरसाइज आप होता है कि कहते हैं जो कि एक केगल एक्सरसाइज कहलाती है इसमें आप हाँ बहन सुनो इसमें क्या होगा क्योंकि प्रॉपर करना हाँ पेशाब रोकना ऐसा खुद जैसे मान लो मार्केट गए हो आपको लगे कि पॉटी लग जाए तो आप रोक लेते हो तो पेशाब दोनों रोक लेते हैं प्रेस स्क्वीज किया 5 सेकंड के लिए छोड़ दिया स्क्वीज किया छोड़ दिया स्क्वीज किया छोड़ दिया। तो ये एक्सरसाइज दिन में 3-4 बार करो इसे बोलते केगल एक्सरसाइज। नंबर टू जहाँ तक समय समय पे हर नियम मान लो हर 2-2 घंटे में आपको यूरिन जाना है आप ये तो ये हो गया पानी ठीक ठीक मात्रा में पिए यूरिन अपना रूटीन चेक कराते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं है वो चेक करना पड़ेगा इन्फेक्शन तो नहीं है। अधिकांश लोग क्या होते हैं ये प्रैक्टिस करने के बाद और कोई मोटा है तो अपना वजन कम कर ले कोई ज़्यादा कॉफ़ी या टी ज़्यादा मत पिए नॉर्मल पिए इसके बाद अल्कोहल ज़्यादा नहीं पीना चाहिए जो पीते हैं लोग उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर दवा की बात करें तो कई दवा आती है हमारे पास जो कि इस प्रॉब्लम को हेल्प करती है ये दो काम करते हैं ये लोग ये जो दवा होती है ये यूरिनरी ब्लैडर की मसल को रिलैक्स करती है सो दैट अर्जेंसी वाली फीलिंग ख़त्म हो जाती है और दूसरी दवा आती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर को नेक मसल को स्ट्रॉन्ग कर देती है जिससे कि यूरिन निकल नहीं पाता है। बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम टाइम पे आप यूरिन जाते रहें और जो दवा होती है उसका नाम जो आपको मैं बताता हूँ जिससे कि आप इसको बाई कर सकें इन दवाओं का आपको नाम बताने जा रहा हूँ। जब पहली दवा थी इसका नाम है देखो टैबलेट मिरागो जो 25 mg की या 50 mg की आती है इसमें दवा सॉल्ट होती है मीरा बेग्रॉन सॉल्ट क्या होती है MIRABEGRO मीरा बेग्रॉन ब्रांड नेम आती है मिरागो 25 mg या मिरागो 50 mg एक टैबलेट 2 टाइम यूज किया जाता है सुबह शाम जब प्रॉब्लम ठीक हो जाए कुछ दिनों में डोज कम करके बाद बंद भी किया जाता है। दूसरी गोली आती है उसका सॉल्ट होता है डेरी फेनासिन ये 7.5 mg या 15 mg की आती है डेरिटेन के नाम से आती है डेरिटेन ओडी दिन में 1 बार या 2 बार इसको यूज किया जाता है कुछ दिनों में सिम्टम ठीक हो जाता है तो इसको बंद किया जाता है। थर्ड गोली आती है टेरॉल LA TEROL टेरॉल LA ये 2 mg की एंड 4 mg की आती है जिसका सॉल्ट होता है टैबलेट सॉल्ट होता है इसके अंदर टॉलेरोडिन
TOLERODINE, टेलोडिन, ये सारी टैबलेट क्या होती है कि यूरिन ब्लैडर को मसल रिलैक्स करती हैं, यूरिन ब्लैडर के जो स्फिंक्टर जो नेक मसल को स्ट्रॉन्ग करके यूरिन को जल्दी बाहर निकलने से रोकती हैं। इन दवाओं को आप एक बार या दो बार आप स्टार्ट करिए, जब प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो कुछ दिन धीरे टू टाइम्स वन टाइम करके कुछ दिन बंद करके देखिए। अलॉन्ग विद दैट रेगुलर लाइफस्टाइल सही करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, जो अपने पेशाब एक्सरसाइज वो करिए, टाइम पर यूरिन करने जाइए, तो होपफुली आप प्रॉब्लम आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा।